स्वागत है सक्सेस की 98 में। और एक बहुत बड़ी न्यूज आ रही है और ये न्यूज क्या है, बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर बार बार पूछ रहे थे, तो मुझे लगा ये वीडियो बनाना जरूरी है सारे बच्चों के लिए, बिकॉज सीटी का जब से न्यूज आ रहा है और ये न्यूज मैंने भी आपको दिया था, बहुत सारे चैनल ने दिया था और ये ऑफिशियल नोटिस भी आया था सीटी के बारे में कि अब ये सीटी होता क्या है। देखो अगर आपको नहीं पता है, मैंने इसके ऊपर डिटेल में पूरा विश्लेषण मैंने दिया है, अगर नहीं पता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा, पूरा आपको वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, फरवरी के महीने में, कब से 2019 में फरवरी में सीटी का एग्जाम होगा, जैसे बहुत सारे न्यूज़पेपर में भी ये न्यूज़ आया था। अब ये सीटी है क्या? लेकिन अगर मैं बात करूं सारे एग्जाम के कंपेयर में, रेलवे, एसएससी, बैंक, तो जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, नुकसान है, वो रेलवे वाले बच्चों के लिए ही है। क्यों है मैं आपको थोड़ा बताता हूं। देखिए, सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। जैसे मैं बोल रहा था सीटी है क्या, देखिए तो आपको मैं बता दूं कि 19 से जो एग्जाम होने वाला है, रेलवे का या फिर बैंक का या फिर एसएससी का, ठीक है, लेकिन कौन सा जो पहला एक्सपेरिमेंट किया गया है सरकार के तरफ से, वो ग्रेजुएट लेवल के लिए, ठीक है। यानी जितने भी इंडिया में ग्रेजुएट लेवल के पोस्ट निकलते हैं सरकारी नौकरी के लिए, या फिर मैं बात करूं रेलवे, बैंक, एसएससी, तो सारे एग्जाम उसके लिए एक ही एग्जाम होगा, वो कौन सा होगा? सीईटी। अब ये बंदा जो भी क्वालिफाई करेगा इसमें, वो क्या करेगा, वो पूरे साल अगर जितने भी ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम निकालते हैं उनको प्री एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट मेंस के एग्जाम देंगे पूरे साल, उनके पास एक पास हो जाएगा, जैसे रेलवे का पास होता है ना, उनको पास मिल जाएगा, ठीक है। तो साल में आपको एक ही बार मौका मिलेगा एग्जाम देने के लिए। तो पूरा डिटेल में मैंने बताया है, लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, जो बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भैया रेलवे में इंग्लिश भी आएगा क्या, तो देखो क्लियर मेंशन किया गया था, आप सभी को बताया गया था कि जो सीटी में जो पहला एक्सपेरिमेंट होगा ग्रेजुएट लेवल के ऊपर, उसके अंतर्गत जो सिलेबस रहने वाला है वो एसएससी सीजीएल, यानी एसएससी सीजीएल का रहेगा, और एसएससी सीजीएल में सभी को पता है कि इंग्लिश रहता ही रहता है। तो अब अगर न्यूज की मान कर चले तो रेलवे वाले बच्चों को, यानी रेलवे वाले बच्चों को अब इंग्लिश भी पढ़ना है, जो कि अभी तक इंग्लिश पढ़ना नहीं पढ़ रहा था। तो ये एक थोड़ा डिसएडवांटेज है इन कंपैरिजन टू रेलवे, बैंक और एसएससी, तो थोड़ा डिसएडवांटेज है। लेकिन एक बात मैं और आपको बोल दूं, ये एग्जाम जब होगा तब होगा, थोड़ा भी आप डिमोटिवेट मत होइए कि अब इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। यार अभी रिसेंट में 18th में आपके पास ग्रुप डी, या मैं बात करूं आपका ये टेक्नीशियन, एएलपी, आरपीएफ, ये तो 10+2 के ऊपर निकला है ना, तो ये सब एग्जाम में तो ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा है, तो इसकी तैयारी आप बिना किसी माइंड में डाउट रखे आप करिए। लेकिन हाँ, ये मानकर चलिए कि रेलवे में जितने भी ग्रेजुएट लेवल के पोस्ट निकलते हैं, स्टेशन मास्टर, गुड गार्ड्स, ये सब के लिए आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा अब से, ठीक है। तो हो सके तो ये न्यूज सारे बच्चों से शेयर कर दीजिएगा कि इंग्लिश भी अब पढ़ना है रेलवे में 19 से, ठीक है। तो जितने बच्चों को भी डाउट था, बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे भैया इंग्लिश पढ़ना है कि पढ़ना है क्या, बिल्कुल क्लियर मेंशन किया गया है, एसएससी सीजीएल का ही सिलेबस रहेगा सीईटी में, और ग्रेजुएट लेवल के ऊपर जितने भी फॉर्म निकलते हैं रेलवे में, बैंक में, एसएससी में, वो सारे बच्चों को एसएससी सीजीएल का सिलेबस पढ़ना है, और एसएससी सीजीएल में रेलवे आपको इंग्लिश भी पढ़ना होता है। आई होप सारे बच्चों का जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। थोड़ा डिसएडवांटेज है रेलवे वाले बच्चों के लिए बाकी कॉम्पिटिटिव सेक्टर के कंपेयर में, ठीक है ना, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा अगर एग्जाम निकालना है तो, ठीक है ना। चलिए।